हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्विंकल। स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसा रबड़ी की रेसिपी। आप इसे बना के भगवान जी को प्रसाद चला सकते हो, कोई व्रत में भी खा सकते हो, नहीं तो कोई फंक्शन है तो आप इसे बना के खिला सकते हो। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज के मज़ेदार रबड़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। दुकान जैसे रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर 300 ml फुल क्रीम वाला गाय का दूध ली हूँ। आप चाहे तो पैकेट वाला दूध में भी रबड़ी बना सकते हो। अभी गैस का फ्लेम हाई करके दूध में उबाल आने देंगे। जब हमारा दूध में उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम लो में रख देंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा दूध में उबाल आ चुकी है। अभी इसे साइड साइड में जो मलाई जम गई है, आप इस तरह से स्क्रैच करके इसे दूध में डुबाते रहिए ताकि हमारा दूध जल्दी गाढ़ा बन जाएगी। आपको इस तरह से किनारे किनारे से मलाई को हटाते रहनी है ताकि हमारा जो मलाई है वो जलेगी नहीं। देखिए, आपको इस तरह से मिलाते रहनी है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप गैस को तेज़ करके दूध को इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे मिक्स करते रहनी है। साइड साइड में जो मलाई है आपको इस तरह से स्क्रैच करके दूध में डुबाते रहनी है। इसे क्या होगा कि हमारा दूध ठीक होके 25 से 30 मिनट में रबड़ी बन जाएगी। आपके पास टाइम है तो आप दूध को 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इसमें मलाई जम जाएगी तो आप इस तरह से किनारे किनारे से मलाई को निकाल के वापस दूध में मिलाते रहना है। जब हमारा दूध आधा से कम हो जाएगी तब हम इसमें चीनी डालेंगे। उससे पहले हम चीनी इसमें नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुकी है। अभी इसमें चीनी डालेंगे तो यहाँ 1/4 कप में यहाँ चीनी डाल रही हूँ। दुकान जैसे रबड़ी बना रहे हैं तो हम इसमें चीनी कम डालेंगे। आप इसमें ज़्यादा चीनी डालोगे तो हमारा रबड़ी बहुत ही मीठा बन जाएगी, ये खाने में टेस्टी नहीं बनेगी। तो आप इसमें चीनी कम डाला करिए। तो अभी इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद आप इस तरह से इसे मिलाते रहिए, हमारा दूध जल्दी गाढ़ा बन जाएगी। दूध को और ज़्यादा गाढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ क्रश किया हुआ काजू आलमंड डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हो। इसे डालने से हमारा रबड़ी का टेस्ट और भी अच्छा लगती है। तो आप इसे मिक्स कर दीजिए। क्रश किया हुआ काजू आलमंड डालना पसंद नहीं कर रहे हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ एक कटोरी में 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मिला लिया है मैंने। अभी इसमें ये दूध में थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आपके पास ये दोनों में से कोई भी अवेलेबल है तो आप इसे दूध में डाल के दूध को गाढ़ा बना सकते हो। अब नहीं है तो अब ऐसे भी इसे बना सकते हो। रबड़ी में अच्छे खुशबू आने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हो हमारा जो रबड़ी का कंसिस्टेंसी इस तरह से रहनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा और गाढ़ा बनाओगे तो ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगी। आप चाहे तो रबड़ी को इससे भी थोड़ा पतला रख सकते हो। अभी हमारा रबड़ी ठीक हो चुकी है तो अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करके खा सकते हो, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे बना के 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हो, आपको जब मन करे तो आप इसे खा सकते हो। अभी इसके ऊपर एक कटा हुआ बादाम को डाल देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। मेरी रेसिपी आपको यूज़फुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर एक नया रेसिपी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।